युद्ध में गए कभी नहीं लौटे, शादी के अगले दिन मैसेज मिला, छुट्टी रद्द, ड्यूटी ज्वाइन करिए। इंदिरा गांधी शहीद की अस्थियां लेकर गांव आई। बुलंदशहर जिले में एक गांव है सैदपुर। हर घर सैनिक और हर युद्ध में शहादत देने के लिए पूरे भारत में पहचाना जाता है। गांव में एंट्री करते ही एक स्मारक नजर आता है। इस स्मारक पर गांव के उन 92 शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने देश की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। हमारी मुलाकात सबसे पहले 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सुरेंद्र सिंह की पत्नी राजबाला से हुई। हम उनसे हुई बात के साथ ही इस कहानी की शुरुआत करते हैं। शहीद सुरेंद्र के घर पहुंचे, 15 फुट के दरवाजे को खोलते हुए जब घर के अंदर पहुंचे तो सुरेंद्र की पत्नी राजबाला बर्तन धो रही थी। कैमरा और माइक देखा तो तुरंत व्यवस्था में जुट गईं। बातचीत के शुरू में जब सुरेंद्र सिंह का नाम आया तो भावुक हो गईं। हालांकि इसके बाद उन्होंने सुरेंद्र के स्वभाव को लेकर उनकी वीरता के सारे किस्से बताए। राजबाला कहती हैं, सुरेंद्र बहुत सरल स्वभाव के थे। जब वह छुट्टी पर आते तो गांव के बच्चे उन्हें घेरे रहते थे। फरवरी 1999 में जब आए तो बच्चों को कंधे पर बैठा कर घुमाते, उनके साथ खूब खेलते थे। मार्च में ड्यूटी पर वापस गए और फिर कभी नहीं लौटे। राजबाला ने जब यह बात बोली तो उनके चेहरे पर दर्द उभर आया।